नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। कोरोना की तीसरी संभावित लहर में बच्चों के संक्रमित होने के खतरे की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन ने बच्चों में एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए सीरो सर्वे मंगलवार से शुरू करने जा रही है, जिसके लिए प्रशासन ने नगर निगम स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर व्यवस्थाएं पूरी कर ली है। सीरो सर्वे के लिए 50 टीम बनाई गई है, जो इंदौर के 85 वार्ड में से 25 वार्ड से सैंपल लेंगे। 1800 सैंपल टीम को इकट्ठा करना है, जिसके लिए एक सप्ताह का समय आवंटित किया गया है, लेकिन कलेक्टर के द्वारा इन टीमों से कहा गया है कि ये काम बहुत छोटा है, इसे मात्र 1 से 2 दिन में ही पूरा करें, जिससे जल्द से जल्द सैंपल का टेस्ट करके एंटीबॉडी का पता लगाया जा सके। सीरो सर्वे टीम में आशा कार्यकर्ता, महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, ANM, नर्स, जोनल और मेडिकल ऑफिसर, तहसीलदार, नैप तहसीलदार, SDM, NGO को शामिल किया गया है। सीरो सर्वे को लेकर रविंद्र नाट्यगृह में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें कलेक्टर और संभाग कमिश्नर ने टीम को प्रशिक्षण दिया। कलेक्टर ने सर्वे टीम को और अधिकारियों से 1-to-1 चर्चा कर इस दौरान होने वाली समस्याओं को समझा, दिशा निर्देश दिए कि सैंपल कैसे लेना है, किस तरह इकट्ठा करना है और बच्चों को टैंपरिंग देने के लिए परिवार के लोगों को कैसे कन्विंस करना है। इन तमाम बिंदुओं पर कलेक्टर मनीष सिंह के द्वारा टीम को प्रशिक्षण दिया गया। कलेक्टर ने करीब 2 घंटे टीम के साथ 1-to-1 चर्चा की। बैठक में मेडिकल कॉलेज डीन, अपर कलेक्टर, मुख्य चिकित्सा अधिकारी भी शामिल रहे। कलेक्टर ने इस दौरान SDM और सर्वे टीम से पूछा टैंपल इन कैसे करेंगे और अभी तक COVID-19 का सैंपल कैसे ले रहे हैं। इस दौरान कुछ अधिकारियों द्वारा संतोष जवाब नहीं मिलने पर उन्हें फटकार भी लगाई और समझाइश दी गई। टीम को हर परिस्थितियों और चुनौतियों का सामना करते हुए जल्द से जल्द सैंपल को इकट्ठा करना है, इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चुनौती बड़ी है, लेकिन कम समय में इसे पूरा भी करना है, क्योंकि देश में केरल और आसपास के कई राज्यों में जिस तरीके से कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उससे पहले की टेस्टिंग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि तीसरी लहर में सबसे ज्यादा खतरा बच्चों के लिए है, ऐसी संभावित आशंका है। इंदौर में सैंपल लिया जा रहा है, 2000 बच्चों का लक्ष्य रखा गया है, किस तरीके से पूरा इम्प्लीमेंट होगा और क्या कुछ निकल के आएगा सर्वे के बाद? देखिए, 1 से 18 वर्ष तक के बच्चों का सैंपलिंग की जा रही है, 1 से 6 वर्ष तक के 200 सैंपल हैं, 7 से 9 वर्ष के 400, 10 से 18 के 1400 सैंपल हैं, उसकी 50 टीम बनी है। अभी सैंपलिंग बहुत अच्छी चल रही है इंदौर में, आज हमने सैंपलिंग की उसमें बनाया था, डेली 11,000-10,000 से ऊपर सैंपलिंग चल रही है। उस माह से देखा जाए तो ये सैंपलिंग जो हम 50 टीम लगाई है सर्वे सर्वे के लिए, ये 2-3 दिन में कार्य संपन्न कर लेंगे। इनके सपोर्ट के लिए SDM लगाया गया है, इनके सपोर्ट के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी लगाया गया है, इनके सपोर्ट के लिए जो हमारे NGOs के लड़के हैं उनको लगाया गया है, जो शिक्षा है, ताकि इसमें जो पेरेंट्स से बात करें, पेरेंट्स से बात करके बच्चों का सैंपल ले सकें। अभी 18 वर्ष से ऊपर के लोग सीरो सर्वे की टीम, प्लीज ध्यान दें, आपके लिए इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। 18 वर्ष से ऊपर के लोग पैसा खर्च करके अपनी एंटीबॉडीज टेस्टिंग करा रहे हैं अस्पतालों में, ये निःशुल्क हो रहा है। ये जो बच्चे 2000 चयनित किए जाएंगे, इससे पेरेंट्स को ये भी मालूम हो सकेगा कि इनके बच्चों में कितनी एंटीबॉडीज आ गई हैं, कितनी सुरक्षा कवच आ चुका है या क्या प्रिकॉशंस रखने हैं उनको। अगर आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, फिर भी मास्क और बेसिक सुरक्षा रिक्वायर्ड है। अगर नहीं आया तो जब भी इसके लिए वैक्सीन मार्केट में आए तो इनको पहले इस वैक्सीन लगवाई चाहिए। सेंसिटाइज किया है, किस तरह से चर्चा की है आपने? आज अभी सेंसिटाइज भी किया है, ऐप की ट्रेनिंग भी चल रही है, जिला प्रशासन, हेल्थ डिपार्टमेंट, हमारे MY मेडिकल कॉलेज और नगर निगम, चारों लोग मिलके सर्वे को कर रहे हैं। हमें 1800 के करीब सैंपल्स लेने हैं, सारा डाटा तैयार हो गया है, ऐप बेस्ड सर्वे होगा। खुशी की बात यह है कि कहीं मैं पढ़ रहा था, कन्फ्यूजन था टेस्टिंग का, टेस्टिंग के लिए हमें ही मशीन प्राप्त हो रही है, हमें फ्री 60 लाख की किट भी प्राप्त हो रही है, टेस्टिंग हमारी MGM के MY लैब में ही होगी। सर, ये आपने अभी बताया कि 2 और टेस्ट इसके बाद अब एक महीने के आगे हमें आने वाले जो मंथ्स हैं उसमें, ये प्लानिंग स्टेज पे है कि आगे भी हम सर्वे करते रहेंगे, क्योंकि पहला लास्ट ईयर का सर्वे आपने देखा, पहला एरर फ्री मोबाइल बेस्ड रैंडम सैंपल सर्वे यहाँ पे हुआ था, जिसकी काफ़ी सराहना NCDC ने की थी, उस लिए हमको अवसर पुनः सर्वे का मिला है। 6 साल से छोटे बच्चों का संभवतः देश का पहला सर्वे है, आगे भी आवश्यकता होगी, हम करते रहेंगे ताकि
प्रिडिक्शंस और फोरकास्टिंग के लिए कि कितने मरीज भविष्य में हो सकते हैं इसको यूज करते हैं। सर कितना आपको लग रहा है टास्क है सर ये? लास्ट टाइम से अगर एज कंपेयर करें तो 25% अब मैं कोई प्रिडिक्शन नहीं करूंगा, तो अभी आपके सामने आ सर ये बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य होगा। हाँ क्योंकि नहीं देखिए मेहनत का काम तो है, टीमें घर तक जाती हैं। मैं आप लोगों से भी निवेदन करूंगा कि आप लोग भी मीडिया में अधिक से अधिक वो करें ताकि जल्दी काम होगा तो हम प्रिडिक्शन कर पाएंगे कि वेव 3 में कितने लोग अफेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।